आज की हमारी फर्स्ट स्टोरी एक रियल लाइफ स्कूल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है, जहां पर एक रात उस स्कूल के एक साइंस टीचर के साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, जिसको सुनने के बाद शायद आपको या फिर आपके टीचर को भी आपके स्कूल की साइंस लैब एक नाइटमेयर लगने लगेगी। फाइनली एलिमेंट्री स्कूल के समर वेकेशन बहुत जल्दी शुरू होने वाले थे, एंड जिस टीचर ने उन स्कूल के बच्चों को अनाउंसमेंट करी थी उनका नाम था मिस्टर अली, जिन्होंने ये अनाउंसमेंट करते वक्त कहा था कि बच्चों तुम्हारी जो है स्कूल वेकेशन बहुत जल्दी शुरू होने वाली है एंड इंजॉय करने का टाइम तुम्हारा बहुत जल्द आने वाला है, तो इस टाइम को अच्छे से इंजॉय भी करना प्रोडक्टिविटी के साथ साथ में। मिस्टर अली जो है उन्होंने रिसेंटली ही फाइनली एलिमेंट्री स्कूल को ज्वाइन करा था, एंड जो पुराने वाले साइंस टीचर थे उनको एग्जैक्टली किस रीजन से निकाला गया था वो आज तक अनडिस्क्लोज्ड है, बट स्कूल के बच्चे जो उनका पुराने वाला साइंस टीचर था उनको काफी ज्यादा पसंद करते थे कंपेयर टू मिस्टर अली। इसकी वजह से मिस्टर अली को स्टार्टिंग में बच्चों के साथ घुलने मिलने में भी काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी, एंड मिस्टर अली भी पिछले 8 महीने से इन बच्चों के साथ अपना प्रेजेंस इंक्रीज करने की कोशिश करते रहते हैं, एंड बच्चों के साथ ही साथ में वो अपने आप को भी अपनी लाइफ को भी एक न्यू स्टार्ट देने की कोशिश कर रहे थे स्कूल के जरिए से, क्योंकि स्कूल हॉलीडेज वगैरह आने वाली थी एंड काफी ज्यादा चेकिंग्स वगैरह बच्चों की स्टिल पेंडिंग थी उनकी तरफ से करना, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो एक रात आफ्टर स्कूल यहीं पर ही रुकेंगे, एंड रुकने के बाद वो नेक्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन के साथ साथ जो पुरानी आंसर शीट्स एंड नोटबुक्स हैं उनको भी साथ साथ चेक कर लेंगे। उन्हें शायद ये नहीं पता था कि साइंस लैब की ये वाली रात उनके लिए उनकी सबसे ज्यादा भयानक रात होने वाली है। रात होते ही स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड पूरे स्कूल को अच्छे से लॉक कर देता है, एंड मिस्टर अली को वहां से बाहर निकलने का एक पैसेज बताकर वो भी अपनी रात की ड्यूटी करके वापस चला जाता है, एंड सिक्योरिटी गार्ड से बातचीत करने के बाद मिस्टर अली वापस अपने बेंच पर जाकर बैठते हैं एंड अपनी चेकिंग वगैरह फिर से शुरू कर देते हैं। तभी उनके मन में काफी सारे थॉट्स आ रहे थे अबाउट साइंस की कितना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है ये एंड ऑल दैट स्टफ, बट कीपर के जाने के बाद जब मिस्टर अली पूरी तरह से डूबे हुए थे कॉपीज को चेक करने के लिए, तभी अचानक से उनका फोन जो है काफी लाउडली रिंग करने लगता है, एंड इतनी रात को उनको यूजुअली किसी का फोन नहीं आता था, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्केयर्ड भी हो गए थे एंड काफी ज्यादा कंफ्यूज भी। इवन जब उन्होंने अपना फोन चेक करा एंड कॉलर आईडी चेक करने की कोशिश करी तब भी उनको कोई भी वहां पर नाम या नंबर शो ही नहीं हो रहा था, एंड इन सारी चीजों की वजह से वो फोन को पिकअप करने में बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये भी डाउट था कि वो कुछ इंपॉर्टेंट ना मिस कर दें एंड ये कॉल वगैरह जो है कोई स्कूल की तरफ से कोई कॉल ना करी गई हो तो उनको ये उठा लेनी चाहिए। फोन उठाने के बाद जब उन्होंने हेलो बोला तो उन्हें अनदर साइड से फोन की दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, बट फोन पर कुछ देर तक रहने के बाद उन्हें दूसरी साइड से हंसने की आवाजें आने लगती हैं। मिस्टर अली ने ये सब चीजें नोटिस करके उनको बोला कि ये रॉन्ग नंबर है, एंड जैसे ही वो अपनी कॉल कट करने वाले थे इतने में ही उनको दूसरे साइड से रिप्लाई आ जाता है कि हम मिस्टर अली को जानते हैं, एंड फिर अचानक से फोन खुद ही कट हो जाता है। मिस्टर अली ने ये वाली कॉल जो है इग्नोर करी, उन्हें लगा कि शायद बच्चे अभी उनसे अच्छे से घुल मिल नहीं पा रहे हैं इसलिए कोई ना कोई उनके साथ शायद मजाक कर रहा होगा, लेकिन ज्यादा देर भी नहीं हुई थी कुछ ही मिनट बाद उनका फोन वापस से रिंग करने लगता है, बट इस बार मिस्टर अली उस कॉल को पिकअप नहीं करते एंड अपना काम पर ही ध्यान लगाए रखते हैं। लेकिन ये वाले इंसिडेंट के बाद इनका फोन करीब 1 घंटे के बाद में, यानी कि ये थर्ड कॉल था जो कि इनको रात के करीब 11 बजे के आसपास में आया था, वो जब इन्होंने पिकअप करा मिस्टर अली थोड़ा एग्रेशन में बोलते हैं कि हेलो बताओ कौन हो तुम। वो थोड़ा एग्रेशन में इसलिए भी आ रहे थे क्योंकि उन्हें ये था कि सामने से अगर कोई स्टूडेंट ऐसा कर रहा है तो वो उनका एग्रेशन वाली आवाज सुन के ये सब चीजें करना बंद कर दे, बट उस कॉल के दौरान ही उनका अब गेट भी नॉक होना शुरू हो गया था एंड उन्हें लगा कि शायद ये गेट कीपर या सिक्योरिटी गार्ड होगा जो उनके गेट पर आया है अभी, लेकिन वो फिर भी थोड़ा बहुत तो डर रहे थे उस डोर को ओपन करने में क्योंकि ये सारे इंसिडेंट्स भी जो उनके साथ हो रहे थे वो पहले उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करे थे। वो धीरे धीरे अपनी चेयर से उठे एंड धीरे धीरे ही बिल्कुल एकदम लाइट फुट के साथ में वो डोर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लाइक इतनी रात को जब वो स्कूल में बैठे हैं एंड ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं, मिडनाइट हो चुकी है, उनके डोर पर ऐसे कोई नॉक करे तो डेफिनेटली डर तो लगेगा ही। पूरे स्कूल का ये रूल है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आफ्टर स्कूल बंद कर दी जाएगी एंड अगर किसी टीचर को रुकना भी है तो उनको टेबल लैंप वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसके अंदर वो अपना काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेस्क पर तो अच्छी खासी लाइट थी लेकिन उनकी लैब में ऑलमोस्ट डार्कनेस ही हो रखी थी। वो अपने फोन की फ्लैश लाइट की मदद से एंड लाइट फुट की मदद से धीरे धीरे उस गेट की तरफ जब पहुंचे
तो अचानक से वो नॉकिंग की साउंड्स गायब हो जाती हैं एंड उन्होंने एकदम अपने हाथों को शिवर करते हुए जब उस गेट को ओपन करा तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो थोड़ा सा कॉरिडोर की तरफ भी निकले एंड उन्होंने चारों तरफ देखा लेकिन दूर दूर तक भी कोई नहीं था। इवन बारी बार उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर भी पूछा कि वहां पर कोई है तो सामने आओ, वहां पर कोई है तो मैं गेट खोल चुका हूँ, तुम आ सकते हो, लेकिन कोई भी रिप्लाई उनको नहीं मिलता। अब ये सारी चीजें उनके माइंड में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वे में स्टिक होती हुई जा रही थी। एंड जैसे ही वो अपनी लैब में वापस आए एंड उन्होंने अपना गेट बंद करके जैसे ही वो फिर से पीछे मुड़े तो उनके जस्ट पीछे एक पूरा का पूरा ह्यूमन स्केलेटन जो है खड़ा हुआ था, जो कि उनको एक बहुत ज़्यादा स्केरी शॉक दे देता है क्योंकि वो वहाँ पर पहले था ही नहीं एंड वो अपनी जगह से खुद चलकर तो नहीं आ सकता ऑब्वियसली। बट उन्होंने अभी भी अपना थोड़ा सा काम मेंटेन करने की कोशिश करी, उस स्केलेटन को अपने रास्ते से हटाया एंड वापस जहाँ पर भी वो रखा हुआ था उसको रखा एंड अपने डेस्क पर वापस चले गए। इस टाइम तक मिस्टर अली के माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा वो डर भी चुके थे, इसी वजह से उन्होंने बस अपने मोबाइल फ़ोन को टाइटली पकड़ा हुआ था, वो अपने पैर को जो है बारी बार कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे थे एंड उनकी नज़रें कॉपीज की तरफ, आंसर शीट्स की तरफ नहीं थी बल्कि उस डोर की तरफ ही थी। उन्होंने इस टाइम तक तो इवन पुलिस को भी इन्फॉर्म करने का सोचा बट वो कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में यही सोच रहे थे कि शायद ये सब चीज़ें उनकी हेलुसिनेशंस हो सकती हैं एंड अगर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करा भी तो वो प्रूफ क्या देंगे कि उनके साथ में हो क्या रहा है। जैसे ना तैसे वो हिम्मत करके वापस अपनी चेकिंग के अंदर लग गए, लेकिन इस बार चेकिंग के दौरान ही वो नोटिस करते हैं कि उनके पेन की जो इंक है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी होना शुरू हो गई थी। उन्होंने अपने पेन को 2-3 बार जो है ऐसे विप किया एंड उसके बाद उन्होंने कॉर्नर के अंदर एक नोटबुक के थोड़ा सा रफ़ वर्क करने की देखी कि शायद उससे पेन जो है उनका ठीक चलने लग जाए वापस। लेकिन जब उन्होंने वो रफ़ वर्क करा तो वो सारी की सारी इंक जो है पेपर पर फैलना शुरू हो गई एंड वो इतनी ज़्यादा फैल रही थी कि इवन पूरा पेपर ही रेड होने लग गया था। उनका पेन जो है वो रेड कलर का ही तो था लेकिन अब जो इंक उसके अंदर से निकल रही थी वो कोई पेन की इंक नहीं लग रही थी, वो बिल्कुल उसका टेक्सचर एंड इवन उसकी स्मेल भी एकदम किसी के ब्लड की तरह फील हो रही थी। जब उन्हें भी ऐसा लगने लगा कि ये क्या चीज़ हो रही है उनके साथ तो उन्होंने डर के मारे वो वाला पेन ही फेंक दिया। जब उन्होंने पेन को फेंका तो उन्होंने एक और काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल चीज़ नोटिस करी। उन्होंने देखा कि एक बच्चे की कॉपी के अंदर जहाँ पर उसको स्केलेटन के काफ़ी सारे पार्ट्स को जो है एक्सप्लेन करना था वहाँ पर वो एक्सप्लेनेशन थी ही नहीं, वहाँ पर कुछ और ही चीज़ हो रखी थी। उस शीट पर स्केलेटन तो बनाया गया था लेकिन वहाँ पर उसको एक रस्सी के सहारे से लटका हुआ दिखाया गया था कहीं पर एंड उसकी पूरी की पूरी बॉडी को भी बाकी रस्सियों से बांधा हुआ था। एंड यू नो व्हाट इज द मोस्ट क्रीपीएस्ट पार्ट, उस स्केलेटन की जो कि नोटबुक के अंदर ड्रॉ करा गया था उसकी नेक के ऊपर मिस्टर अली लिखा हुआ था एंड वो नोटबुक उनको जानी पहचानी लग भी नहीं रही थी क्योंकि ना तो उस पर किसी स्टूडेंट का नाम था एंड ना ही वो अपने किसी स्टूडेंट की ऐसी राइटिंग को पहचानते थे जिससे वो कंपेयर कर सकें ये सब चीज़ें। लेकिन अभी भी मिस्टर अली की ये हॉरिफाइंग नाइट ख़त्म नहीं होती। उस वाली नोटबुक को जब उन्होंने नीचे नीचे रखा तब उसके बाद जब अगली नोटबुक निकाली तो उनको कुछ तस्वीरें वहाँ पर देखने के लिए मिलती है एंड उस तस्वीर के अंदर भी एक स्केलेटन ही था जिसकी सर्विकल बोन को जो है तोड़ दिया गया था एंड उस टूटी हुई बोन को सर्कल से पॉइंट आउट करके वहाँ पर एक एरो की मदद से लिखा भी हुआ था ब्रोकन। एंड जो भी चीज़ उस फोटो के ऊपर बनाई गई थी या लिखी गई थी वो भी ऐसा लग रहा था जैसे रियल ब्लड की मदद से लिखी गई हो। ये वाला जो पॉइंट था यहाँ पर मिस्टर अली अब अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुके थे एंड उनके डेस्क पर जितनी भी नोटबुक्स थी उनको वो गुस्से एंड फ्रस्ट्रेशन एंड डर के मारे अपने हाथों से ही हटा देते हैं। वो बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में जा चुके थे, वो थोड़ा थोड़ा रो भी रहे थे, उनसे इवन ब्रेथ लेने में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी एंड वो बहुत ज़्यादा शिवर तो ऑलमोस्ट कर ही रहे थे। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके जब खुद को थोड़ा बहुत शांत करने की कोशिश करते हैं तब अचानक से ऐसा करते वक्त वो एक बार अपने ऊपर की तरफ देखते हैं एंड जब उन्होंने ऊपर देखा तो फिर वापस से एक स्केलेटन लाइक चीज, एक स्केलेटन लाइक फेस उनको अपीयर होता है ऊपर की तरफ उनको ही घूरता हुआ। बट क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत अंधेरा था
तो उन्हें एग्जैक्टली पूरा का पूरा स्केलेटन नहीं दिख रहा था, ऐसा लग रहा था जस्ट एक स्केलेटन फेस उन्हें घूर रहा है। लेकिन ये नज़ारा देखने के बाद मिस्टर अली डरते नहीं है, वो डर को अपना थोड़ा कंट्रोल करते हैं एंड उस स्केलेटन को देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये कोई जिंदा स्केलेटन या फिर कोई रिमोट कंट्रोल्ड कोई चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से उनके साथ कोई ऐसा भद्दा मजाक कर रहा जा रहा है। लेकिन जब मिस्टर अली ने उस स्केलेटन को वहाँ से उतारा एंड अपने सामने रखा तो उन्होंने देखा कि उसके हाथ में एक बैकपैक भी था जो पहले उनको डिम लाइट्स की वजह से नहीं दिखाई दिया था। एंड उस बैकपैक को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी सप्लाईज रखी गई थी। एंड उन्होंने जब इस बैकपैक के कंटेंट एंड कलर को देखने के लिए अच्छे से जब मुआयना लेने के लिए अपनी फ़ोन की फ्लैशलाइट को ऑन करा तो ऐसा करते ही उनके डेस्क का लैंप ब्लो आउट हो जाता है। एंड जब उनका ध्यान इस चीज़ की वजह से उनके डेस्क की तरफ गया फॉर अ मोमेंट तो पूरी की पूरी लैब में से किसी की हंसने की आवाज़ें उन्हें सुनाई देने लगती हैं। मिस्टर अली ढंग से कुछ देख तो नहीं पा रहे थे क्योंकि सिर्फ उनकी फ़ोन की फ्लैश लाइट ही है जो उस पूरी लैब को अब टॉर्च कर रही थी, लेकिन उन्हें ऐसा डेफिनेटली फील हो रहा था कि वहाँ पर जितने भी स्केलेटन्स रखे हुए थे ये सारी हंसने की आवाज़ें वो ही प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन फिर अचानक से मिस्टर अली जब कुछ बोलना चाह रहे थे वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनका गला बहुत ज़्यादा दब रहा है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रैंगल करने की कोशिश कर रहा है। एंड जब उन्हें ऐसा लग रहा था तो उसी अंधेरे में उनको किसी ने बहुत ज़ोर से खींचा भी एंड अपनी सांस लेना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। एंड उन्हें अब ऐसा लगने लग गया था जैसे उनके गले में एक मोटी रस्सी कहीं से आ गई है। इस चीज़ से बचने के लिए, इस चीज़ से फाइट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी मूव करने लगते हैं, जितनी भी स्ट्रेंथ उनके अंदर बची थी वो सारी की सारी वहाँ पर यूज़ करने लगते हैं। लेकिन जब वो ऐसा करने लगे तो उन्हें ये फील होता है कि कोई रस्सी के सहारे से ही अब उन्हें उस पूरी लैब के अंदर खींचने भी लग गया था। उनको चश्मा लगा हुआ था जो कि इन सब चीज़ों के बीच में कहीं पर गुम गया था, इसकी वजह से वो अब अपनी लैब को भी अच्छे से नहीं देख पा रहे थे एंड उन्हें नहीं पता चल रहा था कि ऐसा उनके साथ हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है। वो रस्सी इतनी ज़्यादा लंबी थी कि वो लैब के डोर के कहीं बाहर से आ रही थी जो उन्हें खींच रही थी। एंड जब वो लैब के डोर के पास पहुंच गए थे तो उन्होंने डोर के बीम को जो है पकड़ लिया था इस होप में कि शायद अब यही लास्ट चीज़ है जो उन्हें इस इंसिडेंट से बचा सकती है या फिर जब तक कोई हेल्प नहीं आ जाती तब तक वो इस चीज़ का सहारा ले सकते हैं बचने के लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद फाइट करने के बाद उनका सर अचानक से दूसरे डोर बीम की तरफ भिड़ जाता है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। एंड जब उनको होश आया तो वो वापस उसी लैब के अंदर चले गए, उन्होंने अपना फ़ोन ढूंढा, अपना स्पेक्स ढूंढा एंड उस लैब के अंदर एक क्लोजेट मौजूद था बड़ा सारा जिसके अंदर वो खुद को बंद कर लेते हैं एंड 911 को सीधा कॉल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपना फ़ोन डायलर खोला तो उनकी फिंगर्स मूव ही नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेजिस्ट कर रहा है, कोई पावर उनको रेजिस्ट कर रही है 911 को कॉल करने। लेकिन इस मोमेंट के बाद मिस्टर अली का क्या हुआ क्या नहीं वो सोच पाना तो काफी ज्यादा मुश्किल चीज है क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम थ्योरीज मिस्टर अली ने जब खुद को क्लोजेट में बंद करा था तो उनको क्लोजेट में से वो ही टाइप की वो ही वाली साउंड आई थी जो उनको पहले अपने मोबाइल फोन के स्पीकर में से आई थी, लेकिन इस बार वर्ड्स अलग थे। इस बार वो साउंड उन्हें बोलती है Welcome to our collection. Definitely, Mr. Ali कैसे ना कैसे तो सर्वाइव कर पाए होंगे उस नाइट को जिसकी वजह से वो केपेबल थे कि उन्होंने अपनी स्टोरीज को जो है शेयर करा हमारे साथ में। लेकिन क्या ये सब चीजें सिर्फ उनका हेलुसिनेशन थी, क्या ये सब चीजें जो है उनके साथ सही में हुई थी, क्या वहाँ पर कोई ऐसी स्पिरिट मौजूद थी उस लैब के अंदर स्पेशली जो ये सब चीज़ों के पीछे का कारण थी, या फिर वो स्कूल उनसे कोई बहुत ही ज़्यादा डार्क बात छुपा रहा था। वेल, आपकी जो भी थ्योरीज हैं मेरे साथ जरूर शेयर करना। आज की